So the major issues are lower abdomen part, this lower back part, this and chest part. Puffy nipples ka bhi issue hai. टोस है ठीक है. नाउ यू विल सी अ फ्लेक्शन. दिस इज हाउ यू फ्लेक्स अ क्वाड. अब दिख रहा है ना ये पूरा ये मसल ये मसल ये मसल ठीक है. दिस इज हाउ यू फ्लेक्स इट. अब दूसरा वाला करो. और कभी भी अगर किसी मसल को अच्छा दिखाना है ना उसको अच्छा दिखाने के लिए सांस को रोक के कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो सो दैट यू एनहेंस द ब्लड फ्लो. व्हेन दे आर फ्लेक्सिंग लाइक दिस ऐसे वो फ्लेक्स कर रहे हैं वो पूरा कोर ब्रेस्ड है टायर्ड हुए फिर वो फिर से फ्लेक्स करते हैं ठीक है. फिर वो रिलैक्स करते हैं फिर फ्लेक्स करते हैं. जब वो रिलैक्सड होते हैं और उस टाइम पर किसी ने जज ने उनको मार्क्स दे दिए तो उसकी वजह से वो कभी कभार हार भी जाते हैं जबकि उनकी कंडीशन फॉर एग्जांपल हम दोनों कंपीट कर रहे हैं और आपकी कंडीशन वैसे अच्छी है पर मेरी फ्लेक्सिंग अच्छी है जबकि मेरा फैट परसेंटेज आपसे ज्यादा है तो हो सकता है कि मैं 10 के 10 मिनट ऐसे खड़ा हुआ था ब्रेसअप को के ठीक है और आप मेरे साथ खड़े थे और आपने 2 मिनट ऐसे कर दिया और आपको जजेस ने उसी टाइम यहाँ पे ऐसे देख रहा था अच्छा है इसके मार्क्स दे दे कोर के वहाँ पे वो हार जाता है. इट इज ऑल अबाउट हाउ यू रिप्रेजेंट योर बॉडी. ये मतलब अगर बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ी डाउन ले जाने की कोशिश करें तो हाँ, वो कर सकते हैं अभी? कर सकते हैं बहुत अच्छे से कर सकते हैं बट टू प्रिजर्व मसल मास या तो हमें वो बहुत ही अग्रेसिव करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म पीरियड में like 3 to 4 weeks. इस टाइम मैं रेडी हूँ एवरीथिंग से इसके लिए. आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग. कि अगर आप मुझे डायरेक्शन देते हो ना कि निखिल ऐसे करना है कि ये खाना है या कीटो करनी है कोई भी टूल यूज करना है तो आई एम रेडी फॉर दैट. एक्सपर्टीज चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट माई फील्ड. मुझे नाइस की इतनी नॉलेज है तभी आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन यू. ठीक है गाइस वेलकम टू टुडेज व्लॉग. और मैं आपको बहुत ज्यादा क्लमजी लग रहा हूँ क्योंकि आज मैं प्रिपेयर्ड नहीं था इस व्लॉग के लिए बट आज मेरा भाई मेरा चैंप निखिल मुझसे मिलने आया है. हियर ही इज. कैसे है भाई? बहुत बढ़िया था. सो मैं ना आज काम कर रहा था एंड जस्ट निखिल जस्ट रैंडमली कॉल्ड मी कि भाई मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ मुझे कुछ एक्सरसाइजेस में आपसे करेक्शन चाहिए और ही इज इनटू मॉडलिंग नाउ. ठीक है ही इज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ. इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अभी तक आ चुकी होगी या स्क्रीन पर आ रही होगी. फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन दिस गाय हैज मेड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम. मैं भाई छोड़ो काम वाम कोई दिक्कत नहीं है आ जाए बंदा मिलेंगे बात करेंगे. एंड नाउ आई जस्ट वॉन्ट निखिल टू टेल यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये मेरे पास जब आया था भाई वो जो इंसोमनिया वाली कहानी थी और घर से छत से गिर गए थे आप 5th फ्लोर से वो और टू दैट पर्सन जो एक लूजर था जो एक चेन स्मोकर था टू दिस पर्सन हु इज अ मॉडल नाउ. भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नाउ द कैमरा इज योर्स. आपको जैसे पता ही है ही इज माय कोच. मेरे मार्गदर्शक ये हैं क्लाउड कोच. आज मैं जो भी हूँ ऐसा लग रहा हूँ इनकी वजह से हूँ. मेरा बॉडी फैट परसेंटेज ओवर 35 था. इतनी बड़ी टोन लाला वाली टोन थी मेरी और मैं गलत जिम ट्रेनर्स के साथ भी ट्रेन कर रहा था. कोई नहीं किसी को डिग्री नहीं अपने चैनल पे सबको पता है सबके क्या होता है. जब मैं एकांश भाई के पास आया था तब मुझे इंसोम्निया था. मेरी इंसोम्निया बता दो कुछ लोगों को पता नहीं होता क्या होता है इंसोम्निया. मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं 11 दिन तक नहीं सोया था. मैं 11 दिन तक नहीं और मैं जब इसने मुझे पहली बार इंट्रोडक्टरी कॉल में बताया था ना कि मैं 11 दिन तक नहीं सोया तो मुझे ना एक्साइटमेंट होगी पहले जानने की भाई क्या हो रहा था मतलब 11वें दिन पे. एंड ही वाज लाइक खुद ही बताओ क्या हो रहा था उस टाइम पे. तो देखो सबसे पहले ना आपके अंदर से ना अब ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन जीने की इच्छा खत्म हो जाती है. मतलब वो फेज ऐसा था मेरी लाइफ में. फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें सब खराब ही होती चली गई. मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई. अब उस टाइम पे मैं खुद को शीशे में नहीं देख पाता था और अब शीशे में ये एक बार भाई कंडीशन चेक हो जाए. ये बातें बातें तो बंदे सोच रहे होंगे बातें तो बहुत पहली फोटोज देख ले अब लाइव तो दिखा दो. अब लाइव भी दिखाएंगे एक बार इधर आ. दैट्स हाउ ही लुक्स राइट नाउ जस्ट लुक एट इट. Contract, 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 contract
ये डिजाइन दिख रहा है, ये जस्ट लुक एट दिस, दिस इज व्हाट अ ट्राइसेप लुक्स लाइक, तीन हेड्स ऑफ द ट्राइसेप्स विजिबल, दिख रहा है। ये बैक दिखा दे, ऐसे खड़े हैं हम, ठीक है, जहाँ पे आए हैं जज की, जज इज द कैमरा राइट नाउ, ठीक है। तो अब हम इस बॉडी को ऐसे ही रखेंगे, अपर बॉडी को सिर्फ ये करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे थंब रख, ठीक है। नाउ ट्राई टू एक्सपैंड योर लैट्स विद योर एल्बोज, ठीक है, थोड़ा और यस, ये होती है ना बैक भाई, ये दिस इज व्हाट अ बैक लुक्स लाइक, ऐसी रही, होल्ड द पोज। डैम भाई डैम, क्या दिल कर रहा है भाई, टर्न अराउंड, दिस इज व्हाट माय क्लाइंट लुक्स लाइक, ये इधर इधर अपर बॉडी को सिर्फ इधर, हाँ ये, दिस इज व्हाट आई नीड, कैमरा में देख, बहुत बढ़िया, ट्राइसेप दिखा दे, यस, मजा आ गया भाई, ठीक है, यस, अपर बॉडी ट्विस्ट उधर, लुक इन टू द कैमरा, ठीक है, इस टांग को आगे करो, दैट्स माय बॉय, रिलैक्स, यस, ये वही ना बात भाई, बाइसेप विंड भाई, और यस, टाइट, होल्ड, मजेदार भाई, वैक्यूम, हाँ, नाउ शो योर वेन्स, टाइम टू शो ऑफ भाई, ऑल द हार्ड वर्क, दिस इज व्हाट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, एंथुजियाज्म, एनर्जी, गुड गाइडेंस, हाँ, गुड गाइडेंस बोलना, हाँ, गुड गाइडेंस, ठीक है, एंड सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, सारा सपोर्ट, बहुत मजा आ रहा है भाई, इतना मजा आ रहा है ना अपने चैंप को फ्लेक्स करते हुए, दिस इज माय चैंपियन, ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, आज जो एक्सरसाइजेस निखिल हमसे सीखने आए हैं वो उनको थोड़ा गाइड करते हैं, बिकॉज ही थॉट कि वो शायद उसको गलत कर रहे हैं एंड उसकी वजह से कोई गुंजाइश रह जा रही है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में, एंड दिस इज व्हाट इज माइंडसेट हिज, कि भाई कोई भी गुंजाइश ना रह जाए, अभी मैं नीचे बैठ के इनसे बात कर रहा था, ही टोल्ड मी कि अगर मैं जिम में कार्डियो भी करता हूं ना तो मैं इंक्लाइन फुल कर देता हूं और 10 की स्पीड पे भाग रहा हूं, तो सो दैट मेरे लिए चीजें डिफिकल्ट हो जिम में और मुझे ऐसा ना लगे कि भाई मेरी वजह से कोई कमी रह गई, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू भाई, प्राउड ऑफ यू भाई, थैंक यू, और चेस्ट तो देख ही ली होगी आप लोगों ने स्क्रीन पे, अभी आई थी, ये तो डाल दूंगा, तो इसके बाद पता लगा, इसके बाद मैंने मतलब अब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कहीं भी, मजा आ रहा है, हाँ, अब मजा आना बहुत इंपॉर्टेंट, चलो आओ, ठीक है, सो टू परफॉर्म अ डेडलिफ्ट सबसे पहले ना हमें ये ध्यान रखना है कि वो डेडलिफ्ट कितना ऊपर है ग्राउंड से या कितना नीचे है, अब ये एम्प्टी बारबेल वाला जो डेडलिफ्ट है इसको परफॉर्म करने का कोई पॉइंट नहीं है अंटिल एंड अनलेस आप सिर्फ वार्म अप कर रहे हो, वार्म अप के लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा नीचे जा सकता हूँ, एंड दैट वुड बी अ स्क्वाट, ठीक है, यहाँ पे मैं डेडलिफ्ट नहीं कर सकता ऐसे, तो इसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पे होना चाहिए ग्राउंड से, ठीक है, अगर ये रॉड जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें प्लेट लगी हो तो यहाँ से उठाऊंगा मैं, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर मैं कोई ऐसा बंदा हूं जिसकी मोबिलिटी ही नहीं है, सो ये चीज जो है इसको कहते हैं टिबियालिस, इसको कहते हैं काफ, ठीक है, तो जो टिबियालिस है ना इसमें कभी कभार मोबिलिटी नहीं होती बंदों की, क्योंकि एक्सेसिव रनिंग करते हैं उस टाइटनेस आ जाती है, तो इसको सबसे पहले डेडलिफ्ट से पहले वार्म अप करना है हमने, कि पीछे हम अपने आप को ऐसे दीवार पे लगा लेंगे, ठीक है, अभी करवाऊंगा आपको, ठीक है, एंड उसके बाद जैसे हम काफ रेस करते हैं तो ऑपोजिट तरीके से हमने टिबियालिस को ये करना है, ठीक है, सो दैट इट गेट्स एक्टिवेटेड करके, ये भाई मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर लूं सेशन, नहीं पूरा हो रहा है भाई, अच्छा यूट्यूब पे जाएगा भाई, अच्छा ये टाइम पास होना है मां पे रहो, ठीक है, तो ये सिर्फ अपर बैक लगी हुई है बाकी कुछ भी नहीं लगा हुआ, नाउ पैरों को और आगे कर थोड़ा, ठीक है, नाउ ट्राई टू फ्लेक्स दिस, ठीक है पूरा, हाँ यस यस यस, हो रही है ना एक्टिवेशन फील, ठीक है, बस 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 बस, तो इसके हमने अगर 3 से 4 सेट लगाए तो इससे हमारा क्या होगा, थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन हमें एडेड मिल जाएगा, क्योंकि जब हम अब हम तो टेस्ट करेंगे स्क्वाट मार के कि हमारा नी कितना आगे जा पा रहा है, तो एक एग्जांपल अगर ये टाइट है तो मैं स्क्वाट मारूंगा तो मैं यहाँ पे आगे ऐसे रुक जाऊंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं यहाँ से नीचे जा नहीं पा रहा, क्योंकि ऐसा लगेगा ये फट जाएगा टूट जाएगा, तो मैं चीट करने की कोशिश करूंगा, मैं फिर ऐसे जाऊंगा या फिर मैं ये ऐसे कर लूंगा, तो उससे हमें प्रिवेंट करना है, हमें टेस्ट करना है कि हम परफेक्टली नीचे जा पा रहे हैं कि नहीं, अब मेरा टिबियालिस खुला हुआ है, मैं आराम से आई एम एबल टू परफॉर्म अ स्क्वाट, ठीक है, करके देखो एक बार अब टेस्ट, हाँ ठीक है, अब एक और तरीका है इसको टेस्ट करने का, देखो आगे लेके जाना है और मुझे देखना है कि आसानी से जा पा रहे कि नहीं, ठीक है, वापस आना है, ठीक है, खुला हुआ है, ठीक है, अब हमें देखना है कि ये कितना आगे जा रहा है, धीरे 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 मेरे यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया, आपका जा रहा है,
ये परफेक्ट एंगल है, इससे पता लगता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, मोबिलिटी है। अगर ये यहाँ पे रुका होता 90 डिग्री पे, ये यहाँ पे रुका होता तो मैं कहता कि ये टाइट है, पर अगर ये इट इज एबल टू गो फॉरवर्ड फ्रॉम योर टोज तो ये इनफ है मोबिलिटी। जब मोबिलिटी आ गई हमारे पास तो हमारे लिए वो मुश्किल खत्म हो गई जहाँ पे मैं आपको ये कह सकता था कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी ये क्रॉनिक टाइटनेस होती, ये एक्सरसाइज से भी ना जा रही होती, सो हम क्या करते, हम सीधा रैक पुल्स करते। मैं आपको सीधा कहता कि भाई इतना नीचे जाने ही नहीं, सीधा यहां से ऊपर। सो नाउ सिंस यू आर हेल्दी इनफ, अब मैं आपको बता दूं कि डेडलिफ्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल What you said to me